बस करेंगे, कितना काम करेंगे, थक जाएंगे। लीजिए जनाब, और कोई हुक्म? अरे इतनी फरमाबरदारी, आप कह के तो देखें, जान भी इतनी तेजी से ही दे देंगे आपके लिए। जाननी चाहिए, आपका साथ चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। वो तो है ना, हमेशा के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, हवेली से कोई कॉल आई? आपकी बात हुई किसी से? पापा साईं की तबीयत कैसी है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी अम्मा साईं से बात हुई थी। ऐसे मुझे लग रहा था कि हवेली से वापस आके तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, लेकिन शुक्र ऐसा हुआ नहीं। डिस्टर्ब क्यों? वही आयरन वाले इंसिडेंट के बाद। होने वाली चीज थी, हो गई। न जाने क्यों मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझ के किया था वो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा शक कश्माला पे है। हर बार नहीं बचोगी ना तुम, अगली बार मेरा निशाना चूकेगा नहीं। जान तो मैं लेके रहूंगी तुम्हारी। मुझे हैरत होती है, अपने अंदर इतना जहर लेकर आप जिंदा कैसे हैं? मैं नहीं मरूंगी दुआ, तुम्हें मारने से पहले मैं नहीं मरूंगी। शायद पीरा के साथ सख्ती करता तो वो नाम बता देती। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें, अगर कश्माला का नाम सामने आ भी जाता तो आप क्या करते? सख्ती से पेश आऊंगा उसके साथ। सख्ती के साथ? नहीं, मुझे वैसे ही उस पर तरस आता है, और आप और सख्ती करते हो उसके साथ। तरस और कश्माला पे, तुम ऐसी औरत पे तरस खा रही हो कि अगर उसे मौका मिले ना तो वो तुम्हारी जान भी ले लेगी। लेने दे, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और फिर वक्त से पहले तो नहीं मरती मैं। वैसे तुम बाकी औरतों से काफी मुख्तलिफ हो। किसी औरत के सामने उसकी सौतन की बात की जाए ना तो वो फजूल बातें करने लगती है अक्सर। तुम तो साइड ले रही हो यार। एक तरफा मोहब्बत का दुख बहुत गहरा होता है। वो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। जब भी आपकी तरफ देखती है मुझे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल पड़ रहा हो। तो क्या चाहती हो तुम, मैं भी देखना शुरू कर दूं उसकी तरफ? बर्दाश्त कर सकोगी तुम? नहीं। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर ऐसी बातें ना करो जिनसे तुम्हें तकलीफ हो। एक ना एक दिन कश्मालों को एहसास होगा कि उसने टाइम जाया किया अपना, और शायद वो किसी और से शादी भी कर लेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या सोच रही हो? यही कि आपको मुझे तंग करने में बहुत मजा आता है।
तुमने ही मौका दिया।